भाजपा के राम मेरठ में कर पाएंगे राज। मेरठ की जनता क्यों हुई टीबी के राम से नाराज, बिना मुद्दों के कैसे करेगी चुनावी सीमा पार। राम आएंगे तो अंगना सजाऊं, मेरठ के चुनावी रण में ये गाना तो खूब बज रहा है, लेकिन क्या मेरठ की जनता राम का स्वागत करने के लिए तैयार है? पर्दे के राम यानी भाजपा ने जिस राम को मेरठ की धरती सौंपी है, वो राम यानी अरुण गोविल अपनी छवि के साथ तालमेल बैठा पाएंगे? ऐसा हम नहीं बल्कि ये लोगों के सवाल है। भाजपा के राम यानी अरुण गोविल भले ही आशाओं के रथ पर सवार हो गए हों, लेकिन मेरठ की जनता उस राम को चुनावी मैदान में उतारने को तैयार है। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की ये चाल फेल हो जाए, क्योंकि चुनावी मैदान में वे अपने को अराजनीतिक बता रहे हैं और यही उत्तर भाजपा को परेशानियों में डाल रहा है। माहौल राममय है, लेकिन राजनीतिक विभीषण भी सक्रिय है। जन्मजात मेरठी होने के बावजूद अभिनेता से नेता बने अरुण गोविल का स्थानीय जुड़ाव नहीं बन पा रहा है। उनके लिए उनकी राम की छवि ही चुनौती बनी हुई है। बता दें कि मेरठ के साकेत में स्वागत के लिए लंबी लाइनों में लोग थे और इसी के बीच एक आवाज आती है और कहती है, अब राम जी अरुण गोविल आपको दर्शन देंगे और हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। रामनामी पटका पहने कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच केसरिया वस्त्र धारी कर रमायर पे मुस्कुराहट के साथ ये विशेषण स्वीकार करते हैं। नेता बनना मुश्किल है या अभिनेता, इसका जवाब इस वीडियो को लेकर आपको अंदाजा लग जाएगा। वे आशीर्वाद देने माइक पर आए, जय श्री राम का उद्घोष किया। नेताई अंदाज बिल्कुल भी नहीं था, कोई संबोधन नहीं, सीधे अपनी बात, ना नेताई भाषण के आरोह अवरोह, ना दावे, ना कोई वादे, ना वार, ना किसी पर प्रहार, बस एक ही अपील, 100% वोट देना। उच्च आय वर्ग के लोग वोट नहीं डालते हैं, वे छुट्टी मनाते हैं, ऐसा मत करना प्लीज। सिर्फ इतना ही भाषण था, भाषण का अंदाज एकदम अलग था, भाषण का अंदाज एकदम अलग था, जिसमें ना तो कोई सियासी गुटबाजी दिखी और ना ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। भाजपा का ये कार्यक्रम चुनावी जरूर था, मगर अंदाज अलग था। कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक और संघ पदाधिकारी तक सब दर्शन कर रहे थे, सियासत में पैतरे चलते हैं, ये बात हम नहीं साथ के लोग बोल रहे हैं। वे कहते हैं, पहले एक मिनट मुश्किल से बोलते थे, अब 3-4 मिनट बोल लेते हैं, पहले गाड़ी से कम उतरते थे, अब जहां जरूरत होती है वहां चल देते हैं। चुनाव संचालन समिति के सदस्यों की बात मानते हैं और एक दिन में उनके 17 दौरे लग रहे हैं, लेकिन टाइम बंधा हुआ है। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक कार्यक्रम में फूल मालाएं नदारत है, राम नाम के पटके ही छाए हुए हैं। पर्दे के राम का अपना सत्ता संग्राम वार पलटवार से एकदम हटकर देखा जाए तो टिकट मिलने के बाद मेरठ आए भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल आते ही परेशानियों में भी घिरे दिखे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मीडिया से बातचीत की, मेरठ की किसी समस्या के बारे में वे जवाब नहीं दे सके। इतना ही कहा कि एक बार जितवा दीजिए, फिर पता करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं। इसकी शहर में प्रतिक्रिया भी हुई। सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करते हुए कहा कि मेरठ के बारे में होमवर्क तो करना चाहिए था, जब वे मेरठ का अपने को बताते हैं तो उनको कुछ तो जानकारी होनी ही चाहिए। मेरठ लोकसभा की सीट चुनौती भरी है, 9.5 लाख मुस्लिम और दलित वोट है। 2019 में इस सीट पर भाजपा महज 5,000 वोटों से जीती थी। ऐसी कांटे की सीट पर भाजपा बड़ा दाव खेला है, 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटा और सभी बड़े धुरंधरों को किनारे किया और अरुण गोविल को मैदान में उतार दिया। अरुण मेरठ में जन्मे हैं, मेरठ में ही पले हैं और पढ़े हैं, लेकिन इस बात की स्वीकार्यता नहीं बन पा रही है। मेरठ की जनता भी कहीं ना कहीं खासा नाराज नजर आ रही है, क्योंकि जिस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा गया है वो मेरठ की जनता की समस्याओं को ही नहीं जानता। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।